ये बहुत ही टेस्टी आलू मशरूम सोया कोफ्ता करी बन के तैयार है। इसको बनाइए, खाइए, मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यह है सोयाबीन, ये पानी में भिगोया हुआ है और इस कटोरी से, एक कटोरी है ये, कम ज्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यह है मसाला, जीरा, मरीच, धनिया, सूखी लाल मिर्च, एक हरी मिर्च, लहसुन और एक ये प्याज है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेते हैं पहले। अब इसी में डालिए ये एक टमाटर और इसको फिर से चला लेंगे। अब इस दूसरे जार में इसका पानी निकाल के इसको भी चला लेंगे, सोयाबीन को। अब इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। अब मशरूम को धो के साफ कर लीजिए, उसके बाद बारीक बारीक काटेंगे। इसी तरह से छोटा छोटा पीस में काट लीजिए।
આપે. ये अब भर गया है, इसको इसमें डाल लेते हैं दूसरे बर्तन में. अब ये है थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ, इसको डालिए. यह है दो हरी मिर्ची, इसको भी काट के डालिए. हरी मिर्ची अब डालिए इसमें, ये हरा धनिया. यह है नमक. हल्दी पाउडर, यह है थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, और यह है थोड़ा सा मिक्स सब्जी मसाला. और यह थोड़ा सा कसूरी मेथी. और इसमें चार डालिए एक चम्मच कॉर्नफ्लोर. एक चम्मच मैदा. और ये है बेसन, बेसन डालिए दो चम्मच. और अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए. बिना पानी डाले हुए इसको मिलाइए. ये इस तरह से मिल जाएगा. इस तरह से ये मिला के सब हो जाएगा. अब इसको बनाइए टिक्की के जैसा, इस तरह से.
इसी तरह से दोनों साइड से पकाइए इसको उलट पलट के। इस तरह से इसको दोनों साइड से पका लीजिए अच्छे से। अब निकाल लीजिए। धनिया की चटनी के साथ भी मिला के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा पकौड़ी के जैसा। और इस टिक्की को ब्रेड में भर के भी बनाएंगे तो वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। इसी तरह से और सब बना लीजिए।
निकाल लीजिए। इसी तरह से जो बाकी का बचा हुआ है उस सबका भी बना लेंगे। अब डालिए इसमें थोड़ा सा पचफोरन और ये है तेजपत्ता। अब डालिए इसमें ये पिसा हुआ मसाला। ये हल्दी पाउडर, यह है गरम मसाला और यह है कश्मीरी लाल मिर्च। यह हरा धनिया, इसको भी डालिए। मसाला फ्राई हो गया, डालिए पानी। अब इसको ढक के उबलने दीजिए। अब इसमें डालिए इन पकौड़ी को। अब इसको ढक के थोड़ा देर ही पकाइए। ज़्यादा देर पकाइएगा तो सब पकौड़ी घुल जाएगा, दाल के जैसा हो जाएगा। तो थोड़ा देर, लगभग 5 मिनट पका के बस फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। ये आलू सोया मशरूम कोफ्ता कड़ी बनके तैयार है। इसको बनाइए, खाइए, मेरे चैनल पे बने रहिए।